हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हो। दोस्तों, इन्फो डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हर कोई डीटीएच की नई खबर आते है तो सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज एक डीटीएच का एचडी में अच्छा बॉक्स आया दोस्तों, तो मुझे लगा कि वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं नया हूँ यूट्यूब पे, आप समझ सकते हो, जबान है फिसलती है, तो आप समझ लो। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैंने एक नया बॉक्स जरा अच्छा लगा तो वीडियो बनाने की सोची। तो ये जो सबसे पहले रिमोट है, आप देख सकते हैं डीटीएच का एचडी बॉक्स है, फुल एचडी उसका रिमोट है। इस पर सब बटन है, ऑडियो, सबटाइटल, यूट्यूब सोर्स, तो दिखने में बहुत अच्छा रिमोट लग रहा है और ये इसका क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ क्या मिलता है। इसके साथ मिलता है आपको एक एचडी माइक केबल जो अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको ये बॉक्स लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, MPG2 के स्लॉट वाले चैनल सब एचडी में कन्वर्ट हो रहे, तो आगे आपको एचडी बॉक्स लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिन ब दिन चैनल एचडी हो रहे, नॉर्मल नहीं हो रहे। अगर आपका बॉक्स खराब हो जाए तो आप एचडी का ही बॉक्स ले लो, दूसरा बॉक्स लो मत, क्योंकि एचडी अभी मतलब 3D एचडी में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ चैनल आ रहे हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी की एचडी वायर है दोस्तों, तो हर कोई डीटीएच कंपनी एचडी की वायर नहीं देती, कुछ कुछ अच्छी कंपनी होती है वही एचडी की वायर प्रोवाइड करती है। तो ये एचडी की वायर की क्वालिटी भी अच्छी है, इस साइड में रखती है। और बाद में इसके साथ जो एसी के डीसी में करके जो आउटपुट निकलता है एसी का डीसी, ये एसी प्लग में लगेगा दोस्तों आपके लाइट के, और यहाँ से 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर है दोस्तों। तो ये बॉक्स को पीछे लगेगा, आपको मैं बताऊंगा कहाँ लगेगा। तो अभी फाइनली रह गया बॉक्स, तो ये देखो कितना लुकिंग अच्छा दिख रहा है बॉक्स। तो ये पावर बटन है दोस्तों, ये चैनल प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस, मेनू ओके, और यह दिया है हॉटस्टार। हालांकि हॉटस्टार चलता नहीं, लेकिन दिया है, और दो USB दिए वो है सच में, और फुल HD भी है दोस्तों, 1080 पिक्सल। तो सबसे ज़्यादा अभी वही HD चल रहा है। देखो दोस्तों, यह ये USB सॉकेट है, इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, वाईफाई डोंगल लगा सकते हो यूट्यूब चलाने के लिए। तो ऐसे खुलता है दोस्तों, यहाँ से ऐसा खींचेंगे तो बाहर आता है। तो साइड से देखते हैं कैसा है बॉक्स दोस्तों, देख सकते हैं ऐसा है। यहाँ वारंटी सील लगी है, आप देख सकते हैं वारंटी सील है, इसको निकालोगे तो आपकी वारंटी चली जाएगी, तो इसको निकाले मत। और पीछे से देखो, यहाँ LNB है जो डिश का वायर है, यहाँ लगेगा ऊपर से आई वाला। ये HD आउट है जो अब मैंने आपको HD वाई केबल दिखाई उसका है। इधर CBVBS मतलब जो पुराने वाले TV होते उसमें AV की केबल यहाँ लगेगी। ये ऑडियो L है और ये ऑडियो R मतलब लेफ्ट राइट, और ये वीडियो वाली। और यहाँ एक USB सॉकेट दिया है जो भी आपको मैंने बताया था, 2 पोर्ट दिए, और यहाँ 12 वोल्ट DC जो मैंने आपको एडाप्टर दिखाया वो यहाँ लगेगा दोस्तों। तो यह बॉक्स अच्छा है दोस्तों, मुझे जरा अच्छा लगा ये बॉक्स, कलर वगैरह इसका डिजाइन थोड़ा सा हेवी लगा और दिखने में भी बड़ा है बॉक्स। तो कम से कम अगर ये बॉक्स आप लोगे तो 4 साल तो आराम से, 4 से 5 साल ही, उससे ज़्यादा ही चलेगा, लेकिन कम से कम 4 साल तो आराम से चलेगा, और अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ। अगर आपके पास LED है तो और भी बेटर पिक्चर क्वालिटी दिखेगी। तो आपको थोड़ा सा मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों ये बॉक्स कैसा है। तो चलो वीडियो के साथ बने रहे यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे, और अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बॉक्स हम अब चालू कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स चालू हो रहा है, देखो बूटअप ले रहा है दोस्तों। तो अभी बूटअप लेगा, और TV पे देखो एक ऐसा लोग आ रहा है दोस्तों, बॉक्स चालू हो रहा है दोस्तों, चालू हो गया। तो चल गए है दोस्तों बॉक्स, तो मैं थोड़ा आवाज कम करता हूँ इसकी दोस्तों, मतलब ज्यादा नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ सकता है दोस्तों। तो इसके कुछ मेनू फंक्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, ऐसा मेनू दबाएंगे तो एंटीना सेटिंग आएगी, इसमें हम जाके चैनल वगैरह सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है।
और चैनल का जो मेनू तो देख लिया अभी, चैनल जब हम ओके करेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। तो हम देख सकते हैं चैनल चल रहे और पिक्चर क्वालिटी